खेतों के अंदर जाने का, वहाँ पे बैठ के ऐसा यहाँ पे ऐसा माना जाता है गाइस कि 365 डेज यहाँ पे पानी शुरू ही रहता है अंदर, वरना जस्ट ऊपर ही थे हाथ के जस्ट नीचे उसको लगा है एंड ब्लड बह रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। यहाँ पे देखो इस पेड़ पे कितना जादू टोना वगैरह किया हुआ है और यहाँ पे रात में आना सख्त मना है। पार्वती पते हर हर महादेव, तुंगारेश्वर की स्टोरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतजार था। अराउंड मुझे मुंबई में 10 साल के ऊपर हो चुके हैं, बट मैं वो मंदिर का जब भी मतलब जाने का सोचता हूँ तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाती है और कैंसिल हो ही जाता है हमेशा प्लान। तो फाइनली दोस्तों आज प्लान बन ही गया है उस मंदिर में जाने का। आज है दोस्तों सोमवार और हम जा रहे हैं एक महादेव के प्रसिद्ध मंदिर में जो कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है और जिसके साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं जो कि मैं आपको वहां पे पहुंचने के बाद ही बताऊंगा। साथ ही साथ उस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें क्रॉस करनी होगी रिवर, ट्रैकिंग करनी होगी, साथ में वाटरफॉल्स भी आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत नजारा होने वाला है और वो अराउंड 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहना और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस ये मंदिर स्थित है वसई में, महाराष्ट्र में। जो वसई आता है जिन लोगों को आइडिया होगा और जो वेस्टर्न लाइन में रहते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि वसई कहाँ है, तो वसई में ये मंदिर है दोस्तों। तो अभी हम लोग चलेंगे, मैं तो एकदम रेडी हो चुका हूँ एंड साथ में चल रहा है दोस्तों अंकित, विकास भाई और शायद उनकी फैमिली भी है, पूरी मुझे आइडिया नहीं है। तो जो भी सीन रहेगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ और चलते हैं अभी घर से। तो अभी गाइस मैं अंकित के घर पे आ चुका हूँ एंड ये अभी तक बाल बाल बना रहा है ये देखो, एंड विकास भाई यहाँ पे रील वील देख रहे हैं हमेशा रील देखते भी रहते हैं और मेरे को भेजते भी रहते हैं अंकित और विकास भाई दोनों। तो हेलो संध्या, ए गाइस ये किसी से बात नहीं करती है कभी, हाथ मिला दे संध्या, हाथ मिला दे, हाथ मिले तो ए भाग गए। अभी हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से टिकट लेके फिर ट्रेन पकड़ेंगे वसई का। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वसई स्टेशन और यहाँ से हमें ईस्ट से एग्जिट लेना है। तो गाइस वसई स्टेशन से हमने रिक्शा पकड़ा और अभी पहुंच चुके हैं हम लोग, ये देख सकते हो तुंगारेश्वर मंदिर का एंट्री है यहाँ से। एंड गाइज हम लोग चाहते तो स्टेशन से बस पकड़ के फिर रिक्शा पकड़ना पड़ता, सातवली नाका करके स्टेशन होता है जहाँ पे हमें बस मिल जाती स्टेशन से और वो वहाँ पे छोड़ती है और रिक्शा पकड़ के फिर यहाँ पे आना पड़ता। उससे अच्छा हम लोग ने डायरेक्ट प्राइवेट रिक्शा लेके वसई स्टेशन से डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग को छोड़ दिया है। एंड गाइज अंदर बप्पा सीताराम का मंदिर है एंट्रेंस पे और फिर 3 किलोमीटर का हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है एंड साथ ही बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे देख सकते हो। उनके तभी कैसे जाएंगे, बारिश आ गई, वही दिखती है भाई, दिखते रहेंगे, दिखते। चलो अभी हम लोग अंदर चलेंगे एंट्रेंस गेट से और बाकी के सब लोग तो पहले से आगे निकल चुके हैं, विकास भाई वगैरह सब लोग। और बारिश अभी बढ़ रही है, जिसका डर था वही हुआ है। एंड ये देखो गाइस ऊपर शिवलिंग भी लगा हुआ है छोटा सा। गाइस हम लोग जो रिक्शा से आए थे उन्होंने हमें गेट पे ही छोड़ दिया था, तो अभी दूसरा रिक्शा पकड़ के हम लोग पहुंच चुके हैं बप्पा सीताराम मंदिर में, क्योंकि विकास भाई ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे आगे आ चुके थे तो हम लोग चल के 1.5 किलोमीटर तक कब तक आते रहते यहाँ पे। तो ये देखो वहाँ पे रुके हुए सब लोग। ये गाइस बप्पा सीताराम का मंदिर लेकिन अभी बंद है ये, तो हमें जाना है यहाँ से स्ट्रेट, चलते हैं। गाइस बप्पा सीताराम का मंदिर देख सकते हो, ये बैक एंट्रेंस है, वहाँ पे गेट बंद है, ये वाला गेट ओपन है। गाइज बापा सीताराम का बॉन अधेवाड़ा करके एक विलेज है भावनगर के पास, वहाँ पे हुआ था और वो छोटी उम्र से ही स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड थे और फिर उन्होंने अलग अलग जगह पे भ्रमण शुरू कर दिया, जैसे कि सूरत हो गया, अयोध्या हो गया, वैसे वो मतलब ऐसे ही भ्रमण पे निकल गए थे। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो जाता है खड्डों के साथ, 3 किलोमीटर का ट्रैक है, बट ये तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, आधे पौने घंटे में। बट शूज नहीं पहना, अच्छा हुआ। एक
स्लीपर्स नहीं तो फ्लिप फ्लॉप में इस गाइस ऐसे सफर का मजा है, वरना अगर शूज वूज पहनेंगे तो अंदर पानी घुस जाएगा, फिर सॉक्स गीले हो जाएंगे, वो मगजमारी मुझे नहीं पसंद है, बहुत गंदा लगता है वो। तो उससे अच्छा चप्पल रहेगा, फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो बढ़िया है एकदम। गाइस नेचर के बीच में ठंडी हवाएं चल रही है मस्त, और बारिश भी बंद हो चुकी है, एकदम मस्त मौसम हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे तो कितना भी चला लो हम लोग चल सकते हैं। क्या विकास भाई, मजा आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहुत आ रहा है। आंटी अंकित और बाकी सब लोग आ रहे हैं, विजय, संध्या एंजॉय कर रही है, संध्या भी एंजॉय कर रही है, भाभी, रिया, खुशी सब लोग हैं। संध्या को उठा के चलना पड़ेगा, वही थोड़ा है। इस लोकल सेलर्स ककड़ी, चिवड़ा, क्या क्या है, अलग अलग आइटम बेच रहे हैं। चकना, चकना तुम्हारे लिए। तो देखो भाई, और यहाँ पे ये ब्रिज आ गया है, देख सकते हो। ऐसे ऐसे गाइस तीन अलग अलग ब्रिज आएंगे जहाँ पे वाटरफॉल और झरने हमें देखने को मिलेंगे। ये है फर्स्ट ब्रिज जो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। पहले तो ब्रिज नहीं था, अंकित पहले आया हुआ था गाइस यहाँ पे, और इसने यहाँ पे नहाया भी था बोल रहा है। कितनी बार आया यहाँ पे? एक ही बार आया था यहाँ पे, पहले ये ब्रिज नहीं था। अच्छा, ये ब्रिज नहीं था। और ये देखो यहाँ पे, अच्छा ब्रिज अभी अभी बना है, और वहाँ पे पूरा जंगल से पानी आ रहा है, पूरा पानी भरा हुआ रहता था यहाँ पे। हाँ। और यहाँ से पानी क्रॉस करके अपने उधर जाना पड़ता था। अच्छा, तो यहाँ से स्ट्रेट चलना है। और बट कुछ भी कहो गाइस, मौसम तो एकदम साथ दे रहा है हमारा, मस्त, एकदम मस्त हो गया है। और आफ्टरनून जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी सामने कुछ है श्री, ये देखो गाइस गौशाला है क्या? हाँ गौशाला है गाइस यहाँ पे आगे, ये देख सकते हो। और कीचड़ वाला रास्ता पूरा, यहाँ पे तो फोन अंदर रखना पड़ेगा वरना पैर फिसलेगा। पे आ चुका है गाइस सेकंड ब्रिज, देख सकते हो, और यहाँ पे भी नीचे पानी जा रहा है। प्लांट ट्री एंड गेट ऑक्सीजन फॉर फ्री, आपको नाश्ता वगैरह का शॉप भी यहाँ पे रास्ते में मिल जाएगा। पूरा ही रोड गाइस कीचड़ वाला है, देख सकते हो। हाँ पूरा ऐसा रोड है, और यहाँ के लोकल जो बाइकर्स है वो तो बाइक से जा रहे हैं कीचड़ उड़ाते हुए। सामने गाइस जंगल और पहाड़ है पूरे, देख सकते हो यहाँ पे पूरा गाना। नीचे जाना है, यहाँ पे मत जाओ, आगे बहुत नदी आने वाली है। चलो, वाटरफॉल भी आएगा, नदियां भी आएगी, सब आएगा। फोटो लेने के लिए मस्त है ना ये। हाँ ये वाला यहाँ पे तो ठीक ही है, नीचे उतरेंगे तो अच्छा आएगा। गाइस यहाँ पे थोड़ा ढलान था, तो चढ़ते चढ़ते यहाँ पे थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है, बट अभी आगे से स्ट्रेट है, ज्यादा टफ नहीं है। श्री परशुराम भगवान की नगरी है, साधु संतों की तप भूमि है, इसे गंदा ना करे। सही बात है गाइस, गंदा मत करना इस प्लेस को, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। आ रही है जिमनी, देख सकते हो गाइस। इस प्लेस को भगवान परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं मेरे पैरों की हालत भी बता देता हूँ क्या हो गई है। कीचड़ में चल चल के सबका यही हाल हो रहा है, क्योंकि पूरे रास्ते पे ऐसा ही कीचड़ है। महादेव के दर्शन करना इतना इजी थोड़ी है। सही बात है विकास भाई, इतना आसान नहीं है महादेव के दर्शन करना, थोड़ा मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा आपको। एक भाई उधर पानी के बोतल से चप्पल धो रहा है अंकित, और विकास भाई का चप्पल टूट गया है, तो रस्सी देखो कहाँ से आ रही है, रस्सी का जुगाड़ करके चप्पल को बांध रहे है। हो गया, हो गया। आगे पूरी नदी है अंकित, चलना थोड़ा वो तो चलने लायक तो करो चप्पल को भाई। हाँ वहाँ धोया था मैं पानी में। तो गाइस 5-10 मिनट ब्रेक लेने के बाद हमारा ट्रैकिंग वापस कंटिन्यू हो चुका है। नहीं देख सकते हो, हम लोग जा रहे हैं सीधा, और गांव में ऐसे जाया करते थे हम। हाँ एकदम छोटे छोटे तभी खेड़ी बोलते हमने। खेड़ी, खेड़ी किसको बोलते हैं? खेड़ी खेतों के अंदर जाने का, वहाँ पे बैठ के ऐसा। देख सकते हो गाइस कैसा आर्टिस्ट है मेरे साथ जो आया हुआ है। तो हमें तो अभी बस 10-15 मिनट और चलना है,
और ऊपर पहुंच जाएंगे मंदिर के। यहाँ पे अभी गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं थर्ड वाले ब्रिज के ऊपर, ये देख सकते हो यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग पैर धो सकते हैं थोड़ा, उतना पानी तो आ ही रहा है यहाँ पे। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ पे गाइज अच्छे से वॉशिंग हो गई पैर की, देख सकते हो, और गहरा पानी भी है, गहरा मतलब पैर डूब सकता है थोड़ा, चप्पल आराम से धो सकते हैं, और हम लोग वहाँ थोड़े थोड़े पानी में पैर धो रहे हैं। अभी हमारा ट्रैक वापस यहाँ से कंटिन्यू होगा ऊपर तक, चलते हैं। फाइनली गाइज हम लोग मंदिर के एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से एंट्री है अंदर। और ऐसा कुछ रास्ता है दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, चलते हैं सीधा। पानी नहीं है, पानी आगे आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स भी मिल जाएगी ऊपर, और यहाँ का नजारा देखो बहुत ब्यूटीफुल है। फाइनली गाइज हम लोग ऊपर आ चुके हैं, हमारा ट्रैक यहीं पे खत्म होता है, तो अब ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी है देख सकते हो। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे आगे चाय वाय पी के। यहाँ से एक व्यू आ रहा है देखो सामने पहाड़ों का, ये देखो बादल, हाँ बादल वाला। गाइज एकदम मस्त मसाला चाय रेडी हो रही है, उसकी स्मेल आ रही है, और साथ ही साथ देख सकते हो बारिश भी आ रही है यहाँ पे बाहर, और सब लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुके हुए हैं। एंड टी ब्रेक के बाद गाइज कंटिन्यू करेंगे हमारा मंदिर तक का सफर, क्योंकि गाइज हमारी गर्मा गर्म बारिश वाली चाय तेज करो। विकास भाई कैसी है पी के तो बताओ। एक नंबर। गाइस 20 रुपए की चाय थी बट वसूल है, और इतना ऊपर आके चाय पी रहे तो उतना तो उनका बनता ही है, और बहुत ज्यादा टेस्टी चाय थी। एंड साथ ही साथ गाइस सब अंकित ये लोग घर का खाना लेके आए हैं, तो वही एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, देख सकते हो। तो ये पराठा है, और ये अचार है बाजू में, ये शाही पनीर, और उसके बाजू में अचार लहसुन का चटनी, लहसुन का चटनी, नमकीन नमकीन, ये फोन 2.5 लाख के फोन है ये थैली के अंदर देखो, और मेरा वाला एक अलग, एक पेटी इसका भी गिन ले। गाइज मस्त घर के खाने के साथ लंच भी हो चुका है, और मैं तो ऑलरेडी लंच करके आया था बट पराठे थे तो 4-5 पेल दिए, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड अंकित तो अभी कुछ और आइटम देख रहा है यहाँ पे, क्योंकि रोटी खा खा के मन भर गया उसका, पराठे सॉरी, क्या देख रहा है अंकित? तो मेरे को मिसल पाओ, वड़ा पाओ, उसल पाओ, कांदा भज्जी सब आ रहा है, लेकिन खा नहीं सकता अभी, खा नहीं सकता क्योंकि डाइट चालू है ना मेरा, डाइट चालू है, डाइट चालू है, तो अभी चाय से काम चला रहा है, दैट्स व्हाई मैं घर से खाना लेके आया हूँ। और चाय, चाय पीना है, चाय पीना है। तो गाइस मंदिर की और अब हम चल पड़े हैं, और कहाँ है मंदिर? ये मंदिर है यहाँ पे आगे, यही है ना, हाँ यहीं पे है मंदिर। ओम श्री तुंगारेश्वर महादेव की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। तुंगारेश्वर की स्टोरी, तुंगारेश्वर महादेव की स्टोरी ये है कि परशुराम तपोभूमि इसको बोलते हैं, तुंगार नामक राक्षस रहा करता था यहाँ पे, अमर का वरदान भोलेनाथ ने उसको दिया तो उसका दिमाग खराब हो गया, ऋषि महर्षियों को मारने लगा, पीटने लगा, फिर उन लोगों ने तपस्या किया तो परशुराम जी को आह्वान किया, फिर आए उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे अमर का वरदान था इसकी वजह से उसका वध नहीं हो सकता था, इसके लिए जो है फिर परशुराम जी ने तपस्या किया, फिर पता किया ये कैसे मारा जा सकता है, तो फिर चिमाजी राजा थे वसई किला में, उनकी लड़की निर्मल देवी थी, वो लोग भी यहाँ पे आए थे, तो उसको ये वरदान था कि 16 सिंगार कन्या कोई भी करके रहेगी उस पर बुरी नज़र जब तुम डालेगा तो तुम्हारा वध हो जाएगा। इन लोगों ने वैसा ही किया, राजा की कन्या निर्मल देवी निर्मल गाँव में आज भी उनका मंदिर है, वो आई उस पर बुरी नज़र उसने डाला और उसकी मुंडी परशुराम जी ने काट दिया, और तुंगारेश्वर चौकट के नीचे उसी तुंग मतलब राक्षस उसकी आज भी मुंडी है, और अमर का वरदान था उसको, इसलिए तुंगारेश्वर महादेव इनका नाम पड़ गया, और शंभू है ये, और बहुत कृपालु और दयालु है, लोगों की बहुत सारी मन्नतें पूरी होती है,
खुद की हमारी भी बहुत सारी हुई है। जय श्री तुंगारेश्वर महादेव की जय। मैं प्रवीण दास उदासीन अखाड़े से बोल रहा हूँ, श्री श्री बजरंग दास का चेला हूँ। तो गाइस महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस मंदिर से रिलेटेड जानकारी दी। तो आपका आशीर्वाद महाराज जी हमारे ऊपर हमेशा बना ही रखना। यहाँ से है गाइस मंदिर का एंट्रेंस, देख सकते हो पूरा ये सामने मंदिर है और अंदर चलेंगे अब हम लोग। हाँ तो गाइस अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे चप्पल उतार लेंगे हम लोग। एंटर हो चुके हैं हम लोग, ऐसा कुछ एंट्रेंस है। यहाँ पे नंदी जी है, आपको देखने को मिल जाएंगे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों हमारे महादेव के फाइनली दर्शन हो चुके हैं तुंगारेश्वर महादेव के, और अभी यहाँ पे काल भैरव बाबा का मंदिर है तो वहाँ पे भी दर्शन कर लेंगे। भैरव दादा का मंदिर, काल भैरव दादा का, और अंदर से मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। गाइस इस मंदिर के आसपास पूरे जंगल ही जंगल है, और ये जंगल पार्ट है पूरा बोरीवली नेशनल पार्क, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो उसी नेशनल पार्क के अंडर में आता है ये एरिया, मीन्स बहुत सारे एरियाज को कवर करता है नेशनल पार्क का जो एरिया है, तो पूरा गवर्नमेंट के अंडर में ही है। तो भैरव दादा के दर्शन हो गए, महाकाल के दर्शन हो गए, तुंगारेश्वर, और अभी यहाँ पे देखो गाइस एकदम मस्त ब्रिज बना हुआ है, आर्टिफिशियल ब्रिज है, और ये देखो, हाँ वही इन्होंने बनाया है, मतलब ये अलग से। और यहाँ का व्यू देखो गाइस, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे, सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, देख सकते हो, और ये पानी आ रहा है पूरा। एंड गाइस परशुराम जी यहाँ पे तपस्या भी किया करते थे एक टाइम पे। एंड यहाँ पे आगे गाइस मंदिर है माता जी का ऊपर, तो वहाँ पे भी हम लोग चढ़ेंगे। बस सब लोग एक बार आ जाए, पूरे आधे इधर उधर हो गए सब। यहाँ पे जगमाता मंदिर है ऊपर माता जी का, तो सीढ़ी से चलेंगे ऊपर। यहाँ पे गाइस खोडियार माता जी का मंदिर है, और एक मंदिर यहाँ से स्ट्रेट में है ऊपर, पहले यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। घंटी नहीं है गाइस माता जी का मंदिर। तो गाइस जगमाता मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं, जगमाता मंदिर तुंगारेश्वर। यहाँ पे ऐसा माना जाता है गाइस कि 365 डेज यहाँ पे पानी शुरू ही रहता है अंदर, और कहाँ से आता है किसी को कुछ नहीं पता है, देख सकते हो गाइस अभी बताता हूँ मैं। यहाँ पे पानी आपको हमेशा देखने को मिल ही जाएगा। ये देखो गाइस यहाँ पे 12 महीने पानी आते रहता है। अभी गाइस हम लोग जगमाता मंदिर में एंट्री करेंगे, यहाँ से ये है एंट्रेंस। जगमाता मंदिर की जो मूर्ति है वहाँ पे अंदर का जो मंदिर का काम चल रहा है अभी, तो मूर्ति तो अभी वहीं स्थापित है बट काम चल रहा है मंदिर का। हम लोग जो रूट से आए थे यहाँ पे जगमाता मंदिर में वहाँ से नहीं जाएंगे, अभी हम लोग ट्राई कर रहे थे डिफरेंट रूट, जहाँ पे वो पानी में सब लोग नहा रहे थे वहाँ से जाएंगे हम लोग। तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, चलते हैं। ये रास्ता जाएगा क्या? अरे भाई बिना चप्पल के कहाँ यहाँ से जाएंगे? अरे रहने दे अंकित, बहुत दूर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, यही बोल रहा था हमें कि गाँव क्या बंदा हो के ऐसी बात कर रहा है। यहाँ से जाएंगे गाइस, बारिश आ रही है भाई, छाता खोलो।
अभी हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं जहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं, तो चलते हैं नीचे। छाता भी उठ रहा है बारिश की वजह से, तेज हवाएं चल रही है। गहरा नहीं है, आंटी लोग वगैरह भी अंदर ही है। आओ विकास भाई नहा लो। हाँ बहुत मस्त मौसम हो रहा है गाइस, एकदम वो साइड में तो अंधेरा हो गया है, देख सकते हो ये पूरा पानी आ रहा है गाइस। एंड देख सकते हो यहाँ से पूरा पानी फिर उतर के नीचे जा रहा है, ये देखो। दो नौजवान जा रहे हैं पानी में, देख सकते हो विकास भाई और अंकित दोनों। मैं तो वो वाले कपड़े पहन के आ रहा हूँ। पत्थर है अंदर, पत्थर है यहाँ पे। घूम के ही घुसू, फालतू का अंदर जाऊंगा, गीला हो जाऊंगा, मगजमारी होगी, उससे अच्छा यहाँ पे ऐसे वॉक करता हूँ। गाइस मैं नहाया नहीं, बट आगे वहाँ पे एक झरना है, सब लोग बोल रहे हैं, तो अंकित वगैरह सब लोग यहीं पे जा रहे हैं। ये है गाइस झरने तक जाने का रास्ता, देख सकते हो ये पूरा पानी झरने से ही आ रहा है शायद। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं जहाँ पे वाटरफॉल है, देख सकते हो वहां से पानी आ रहा है पूरा यहाँ तक। गाइस एक बंदा घुटने तक पानी था, घुटने से भी नीचे पानी था, उसमें ऐसे ऊपर से कूद के मुंडी नीचे रख के ऐसा कूदा अंदर, तो यहाँ पे फट गया उसका पूरा, बच गया गाइस थोड़े के लिए आग, वरना जस्ट ऊपर ही थे आग के जस्ट नीचे उसको लगा है। एंड ब्लड बह रहा है बहुत ज्यादा, खून निकल रहा है, रुक ही नहीं रहा है, पीछे ही है वो। तो अभी हम लोग नहाते हैं यहाँ पे और थोड़ा संभल के नहाएंगे। जल्दी आ, ये मेरा पार है वो में आ रहा है ऊपर से झरने का, और हम लोग ने मस्त नहा लिया, मोहन ने और अंकित ने। तो अभी मैं फोन पकड़ूंगा और विकास भाई जाएंगे नहाने के लिए। अभी ऐसा लग रहा है गाइस फालतू का गीला हो गया पूरा नीचे से ऊपर तक, देख सकते हो। एंड यहाँ पे अंकित तो बैठा हुआ है, ये देख लो यहाँ पे। तो गाइस ब्लैक गोल्ड निकाला है विकास भाई ने पानी से ढूंढ के, ब्लैक गोल्ड डाल दो अंदर, बहुत है अपने पास। यहाँ पे देखो इस पेड़ पे कितना जादू टोना वगैरह किया हुआ है, और यहाँ पे रात में आना सख्त मना है क्योंकि यहाँ पे सब भूत मिलके पार्टी करते हैं गाइस। देख सकते हो यहाँ पे बैठे रहते हैं शाम में, इसलिए आना मना है। क्या विकास भाई पार्टी विद द भूतनाथ सुना है गाना? वही इधर ही होता है वो। गाइस हम लोग जो ऊपर झरने में नहा के आए वो एकदम फ्रेश पानी था, मीन्स ऊपर से ही आ रहा है, फिर सब लोग ऊपर नहा रहे और फिर पूरे रास्ते से नीचे आ रहा है पानी और यहाँ पे सब लोग नहा रहे वो ये पानी आ रहा है। तो गाइस आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक बार महाराज जी से भी बुलवा लिया कि हिस्ट्री क्या है इस मंदिर की। तो बस यही सब था जो महाराज जी ने हमें बताया पूरा इस मंदिर का पास्ट जो था हिस्ट्री। यहाँ से गाइस हमने नीचे जाने के लिए टवेरा गाड़ी कर ली है जिसका पर पर्सन 50 रुपीज चार्ज है। तो बस गाइस आज के व्लॉग में यही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।